और दोस्तों इस समय हाइड्रोसिल के मरीज की संख्या लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। उसमें से बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि सर हाइड्रोसिल का हमको बढ़ा हुआ है, हमको अग्निवीर में गए थे मेडिकल में छटा कर चलाए हैं, लेफ्ट साइड वाला हाइड्रोसिल बढ़ा हुआ है, इसके बाद हमको फिर से हमको मेडिकल में जाना होगा, कैसे उसको ठीक करें आप ही बताइए। इसके बाद दोस्तों ये भी लोग बोलते हैं कि सर हमको शादी करने वाले हैं, अगले साल शादी होगा तो हाइड्रोसिल बढ़ा हुआ है, कैसे उसको ठीक करें। और लास्ट में ये भी बताता है लोग कि सर ऑपरेशन करने में कितना खर्च लगेगा, कैसे उसको कितना दिन में ठीक हो जाएगा, ये सब आपको बता दीजिए, और ऑपरेशन सही रहेगा या पानी निकलना पड़ेगा या दवा से ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता देने वाले हैं, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर है, सच्चाई बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए इस वीडियो में पूरा लिख के रखे हैं जो जो लोग पूछे हैं, ठीक है, नाम नहीं धर रहे हैं, क्योंकि नाम धरेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। वैसे हम पहले से हम आपको हाइड्रोसिल के लिए वीडियो बना दिए हैं और साथ में उसको दवा भी बता दिए हैं, नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो में भी आपको कंप्लीट हम सच्चाई बताने वाले हैं कि आपको हाइड्रोसिल हो जाए तो आप लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों हाइड्रोसिल होना बहुत कॉमन बात हो गया है, इस समय बहुत सारे पुरुषों को हो जा रही है, ठीक है। क्यों हो जा रही है ये भी जान लीजिए। देखिए होने के सबसे बड़ी रीजन होती है कि जो लोग भारी चीज बहुत ज्यादा उठाते हैं, सर्द गर्म के भी वजह से हो जाती है, चोट लग जाती है, इसके वजह से भी हाइड्रोसिल होने की संभावना हो जाती है। और कुछ अनुवांशिक होते हैं जिसके वजह से यह हो जाती है, जैसे आपके पापा को होगा तो आपको भी होने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे कहा जाता है, ठीक है, और ऐसे होता भी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको हाइड्रोसिल हो गया है तो आप लोग आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान से रखिए कि हाइड्रोसिल आखिर होता क्या है। बहुत सारे लोग तो जो है ना कि हाइड्रोसिल से बहुत ज्यादा डरते हैं, जिस तरह जानते हैं कि हमको हाइड्रोसिल हो गया तो बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको जब दर्द करता है ना तो बहुत ज्यादा छटपटाने लगते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल नहीं छटपटाना है, क्लियर हम आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोसिल क्या होता है। देखिए हाइड्रोसिल जो होता है ना, जैसे लेयर जो होता है, फर्स्ट लेयर जो होता है देखिए एकदम इस तरह रहेगा और इसके अंदर टेस्टिस रहेगा जिसको हम लोग कौड़ी बोलते हैं, तो पानी पे रहेगा। इसके बाद अंदर जो है पानी के अंदर क्या होगा कि टेस्टिस रहेगा, यानी कि खराब द्रव पदार्थ हो जाना है, क्या कहलाती है, हाइड्रोसिल कहलाती है, ठीक है। तो हाइड्रोसिल में क्या होता है कि एक टेस्टिस के बाहर जो होता है पानी होता है, ठीक है, उसी पानी को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोसिल बोलते हैं, ठीक है। वो भी दोस्तों जानते हैं कैसे होता है, जब उसको सर्जरी किया जाता है तो कैसे सर्जरी होता है इस पर ध्यान दीजिए। देखिए आपको जो है ना फर्स्ट जो लेयर होते हैं, एक सेकेंड लेयर होती है, और इसे तो बहुत लेयर होती है, छोटा छोटा लेयर होती है, लेकिन उससे छोटा छोटा लेयर को काटकर पहले फर्स्ट लेयर को काटा जाता है, तो इससे क्या होगा कि आपको फिर छोटा छोटा मिलेगा, उसको काटकर लास्ट वाला जो लेयर होता है ना उसी लेयर को निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद उसी में जो है ना टेस्टिस होता है जिसको हम लोग कौड़ी बोलते हैं, और उसको क्या कहते हैं कि ब्लेड लगाकर उस पानी को निकाल दिया जाता है। जब वो पानी पूरा निकल जाती है ना तो टेस्टिस को क्या कहते हैं कि इस तरह पलट दिया जाता है उस लेयर को, यानी कि वो दीवार बोलिए लेयर बोलिए, ठीक है, उसको पलट कर उसको सिलाई कर दिया जाता है। इसलिए सिलाई हो जाती है ना, क्योंकि फिर से जो है हाइड्रो नहीं हो जाए, ठीक है, इसलिए उसको क्या कर देते हैं पलट कर उसको सिलाई कर दिया जाता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आप लोग हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाइएगा ना तो आप लोग दोनों ऑपरेशन बिल्कुल करवा लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और फिर होने के चांस नहीं रहेगा। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सर हाइड्रोसिल जो है उसको ऑपरेशन करवाए, दवा से ठीक करे या पानी निकलवा लें। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि सिरिंज से पानी निकलवा लेते हैं, लेकिन पानी निकलवाने से देखिए इससे दिक्कत होती है क्या कि फिर से होने की संभावना आपको हो जाएगा, फिर से अगर बार बार अगर होगा तो क्या होगा कि आपको टेस्टिस सड़ने की संभावना हो जाती है, जिसकी वजह से जानबे करते हैं आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग को पानी निकलवाना नहीं है, आप लोग सीधा सर्जरी करवाना है। सर्जरी कब करवाना है, मान लीजिए कि बहुत दिन से लगातार हो गया, दवा खा लिया नहीं ठीक हो रहा है, तब आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा, कोई रास्ता बिल्कुल नहीं है। लेकिन दवा से कैसे ठीक होगा, जैसे मान लीजिए कोई हाल फिलहाल में हुआ है, कभी मान लीजिए दो तीन दिन से आपको हो गया, आपको लग रहा है कि सूजन है, तो आप लगातार दवा जो हम वीडियो में बताए हैं उस वीडियो में सब देख लीजिए, और उसमें जितना दवा बताए हैं देखिएगा, 1 2 3 4 5 करके दवा लिखी है, सब दवा को आपको खाना है। कैसे खाना है इस वीडियो में बता दिए, एक सुबह एक शाम ऐसे ऐसे बताए हैं, और लगातार आपको सबको दवाई को खाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जाके हाइड्रोसिल सूख जाएगा, अगर पानी नॉर्मल होगा तो सूख जाएगा, इसके बाद आपको ठीक हो जाएगा। जिनको अग्निवीर में जाना है, अगर हाल फिलहाल में हुआ है तो आप उसको खाकर जा सकते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया होगा तो दवा से ठीक नहीं होगा, आप जाकर तुरंत सर्जन से संपर्क करके उसके क्या करिए ऑपरेशन करवा के उसको निकलवा लीजिए, और जल्द से जल्दी आप लोग ठीक हो जाएगा। इसमें ज्यादा झमेला नहीं है, आप जाइएगा आधा घंटा से
लेकर 45 मिनट के अंदर में सर्जरी हो जाती है हाइड्रोसिल का, ठीक है। आप लोग जाके करवा सकते हैं, ज्यादा उसमें खर्च नहीं आती है। खर्च कुछ लोग खर्च पूछता है, लोग खूब से खूब खर्च आती है, 5 से 6 हजार रुपए तक खर्च आती है। इसके बाद बहुत सारे ऐसा ऐसा हॉस्पिटल होते हैं जो कि लोग बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं, ठीक है। तो उतना नहीं घबराना, ज्यादा नहीं, 5 से 6 हजार रुपया में कहीं भी आपको ऑपरेशन हो जाएगा हाइड्रोसिल का, ठीक है। इससे बेसी महंगा तो मत दीजिएगा, दूसरा हॉस्पिटल चेक करिएगा, कहिएगा कि 5 से 6 हजार में करिए, हो जाएगा, आपको पूरा ठीक कर देगा लोग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाइड्रोसिल जो है कि कोई कोई कहता है कि 1/12 एक छोटा हो गया है, तो उससे नहीं घबराना है, 1/12 एक छोटा आपको हाइड्रोसिल होता है। अगर आप लोग को हाल फिलहाल में ना बोल है ना, वीडियो को जाकर देखिए, बिल्कुल आप लोग ठीक हो जाइए, क्योंकि उसमें हम आपको दवा भी बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।